नमस्कार, हम गायिका नीरज प्रिया। हाँ, आप सबके बीच बहुत ही सुंदर होली में शिव चर्चा लेके आई बनी। अच्छा, और हमरा विश्वास बा कि गीत सुनते रहुआ लोग भी ना रुकब जा, नाचे के चालू हो जाए जा। हाँ, राजू बाबा तो पहले नचावल जाए। बिल्कुल, यहाँ कोई रुकबे ना करी शिव के दरबार में, सब कोई के नाचे के बा और आई कैसे भाव बा। कैसे
आज देखी हमनी के होली के सेट लागल बा। हाँ ए में चर्चा के होली धमार होता। हाँ हाँ कैसे होता हुमच के आवे के बाद कैसे कैसे आवे के बाद आई तनी भाव में। हाँ आई हमर गुरु भोले शिवा चारा चमे होली खेले हमर भोले गुरु
हम सिंगर नीरज प्रिया रउआ लोग के बीच बहुत ही मार्मिक एक भजन शिव चर्चा भजन शिव गुरु भजन सुनावे जा रहे वाली तो प्रेम से बोली जा शिव गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय आई सुन जाओ तो हर है तू अरिया शिव गुरु अरे अहिले बांझने रहु रहे तुवारी आए शिव गुरु अहिले बांझने आ सुन ली ना हमारो नमस्कार।
हम सिंगर नीरज प्रिया रउआ लोग के बीच बहुत ही सुंदर कथा लेके आई बानी। अक्सर लोग शिवचर्चा में जाला तो मन में ये जरूर उत्पन्न होला कि शिवचर्चा होता आखिर एकर लाभ का बा, एकर राज का बा। यही तरह नारद मुनि एक दिन नारद मुनि भूलोक से यानी कि पृथ्वी लोक से भ्रमण करत रहे। तो नारद मुनि देखनी कि यार हर जगह जहां जाई ओजे शिव चर्चा के कथा, शिव चर्चा का गीत, भजन, मतलब हर जगह शिव चर्चा भजन, शिव चर्चा का गुणगान होत रहता। तो आखिर ई का बात बा, मन में सवाल आई कि केकरा से पूछी। फिर इंसान से ना पूछ के सीधे महादेव भी गईने कि प्रभु आप ही एकर महत्व बताएं कि अगर हम पृथ्वी लोग से घूम के आवता नहीं और हर जगह देखा था नहीं कि रोवा नाम के गुणगान होता, शिव चर्चा की कहानी कथा भजन होता, तो प्रभु एकरा से का लाभ बा और एकर राज का बा कि लोग इतना गुणगान करता रहुआ। तो बाबा महादेव मुस्कैने, तीनों के तीनों त्रिलोकीनाथ, देव के देव महादेव, वहां के ही सोचने की छोड़ा, अगर नारद मुनि हमार बखान पूछता रहा तो हम अपना से ना कहके यानी कि अपन तारीफ खुद से बढ़िया ना लगे। तो नारद मुनि से कहनी कि एक काम करो कि हम तहरा की कतना समझा सकता नहीं कि लोग काहे हमार गुणगान करता और काहे हमार इतना नाम लेता। हम तहरा की जौन बतावत नहीं नारद मुनि जाके तू कर लो। तो नारद मुनि कहनी कि ठीक बार हुआ बताई कि हमरा का करे के पड़ी। प्रभु कहने, महादेव जी कहने कि आप जाई भूलोक में फिर से एक बार और वहां एक घना जंगल बा। घना जंगल में एक कौवा, एक मादा कौवा अपना बच्चा के जन्म दे ले भैया। बस ओकरा कान में थोड़ा सजा के पूछ ली हा कि शिव चर्चा के महत्व का बा, शिव गुरु के महत्व का बा, फिर तहरा पता चले। नारद मुनि कहने कि ठीक बा, जैसे प्रभु के आदेश, नारायण नारायण करते हुए ओजा से निकलनी। वो जंगल में पहुंचनी, देखनी कि कौवा अपना बच्चा के जन्म दे ले दिया। ओकरा कान में जाके धीरे से पूछने कि ई बतावा कि शिव चर्चा यानी कि शिव गुरु के गुणगान के महत्व का बा, एकर राज का बा, एकर लाभ का बा। बस इतना ही नारद मुनि पूछनी, कौवा के बच्चा वही मर जाता। अब तो ई देख करके प्रभु के लीला समझना पहले नारद बाबा, और फिर से गेले प्रभु के पास कि प्रभु देखी ना हम पूछनी ऐसन ऐसन और ऐसन हो गई, रउआ बारे में पूछनी हो तो बच्चा ही खत्म हो गई। फिर भी महादेव मुस्कात रहनी और कहनी कि ठीक बा, फिर से तू जा और एक पिछड़ा वर्ग के लोग के घरे सुअर के बच्चा जन्म ले, ओकरा से जाके पूछी। फिर से वही करी नारद बाबा गईने, जाके सुअर के बच्चा के कान में पूछनी कि शिव चर्चा के महत्व का बा, शिव चर्चा के गुणगान के महत्व का बा, एकरा से लाभ का बा। इतना सुनते ही सुअर के बच्चा भी मर जाता। अब तो और नारद बाबा डर गए नहीं, ई का होता हम पूछा था नहीं, लोग मर जाता, कहीं महादेव हमारे साथ खेलता नहीं कि खेला। फिर से महादेव के पास जाता नहीं कि प्रभु ई रुआ का करता, रुआ जवन कहता नहीं हम उहे करता नहीं, ओकरा बाद अगर कोई के बच्चा मर जाता तो ये अच्छा बात नहीं थे। फिर भी महादेव मुस्काता नहीं और कहता नहीं कि ठीक बा, तू फिर से एक बार जा पृथ्वी लोक पे
और एक गाय के बच्चा जन्म दे ले ओकरा से जाके पूछा कि शिव चर्चा के महत्व का बा, प्रभु के गुणगान के महत्व का बा। तो फिर से नारद बाबा जाता नहीं, फिर से गाय के बच्चा के कान में पूछता नहीं, फिर उहे चीज होता, गाय के बच्चा मर जाता। अब नारद बाबा कहता नहीं कि अब कतनो भोला बाबा भरमई गए, अब ना आए, अब ना पूछब हम, जब जब पूछता नहीं तब तब ओकर बच्चा खत्म हो जाता। फिर दौड़ल दौड़ल जाता नहीं शिव शंकर जी के पास कि महादेव ई रउआ कैसन लीला बा, ई रउआ का करता नहीं, हमरा पर हत्या के आरोप चढ़ावता नहीं, हम तो रउआ गुणगान के बारे में पूछे जाता नहीं। और जब भी जाता नहीं ओकर बच्चा मर जाता, ई पाप हमरा पर मत चढ़े। बहुत तेज से मुस्कैनी महादेव जी, कहनी कि बस एक लास्ट बार एक राजा के घर में एक बच्चा पैदा ले लेबा, तू ओकरा से जाके कान में पूछी ये शिव चर्चा शिव गुरु के महत्व का बा, एकर राज का बा, एकर लाभ का बा। नारद बाबा कहनी कि ना 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 ना, रउआ हमरा के ढेर भर मैनी, अब तो हम जाई ना, अतना बस एक बार लास्ट तू जा। तो ना ना, अब अगर तू राजा हुआ, अगर हम बच्चा से पूछता नहीं तो लोग हमरा के खदेड़ के मारे लगे, अगर उनकर बच्चा के कुछ हो जाता। फिर महादेव जी कहने कि ना, अब जेब तब ऐसा कुछ भी ना, तू जा सके। तब नारद बाबा ओजा से निकलनी और कहे लगनी कि ठीक बा, अब हम रउए भरोसा पर जाता नहीं, रउआ लीला रउए ही जाना। नारद बाबा आईनी राजा के घर पे, देखनी अब मन में तो डर बैठल बा कि कहीं एकरा कुछ हो गए तो हमरा के लोग कही जे खत्मे कर दी, अच्छा से लोग विदाई कर दी कि सधुआ आई हमार बाल बच्चा के मार के चल गए, बड़ बेटी के बात बा, राज के बात बा। लेकिन डरते डरते गई नहीं तो राजा के घर में बहुत दिन के बाद एक पुत्र के जन्म भइल बा, वो खुशी वो जश्न मनावल जाता है। और ऊपर से कोई साधु महात्मा पहुंच गई उनका दरवाजा पे, राजा कहनी कि बहुत सौभाग्य के बात बा कि ई खुशी में कोई साधु महात्मा के पैर हमरा दरवाजा पे पड़ल बा, हमरा घर में पड़ल बा, एकरा से बड़ सौभाग्य के बात नहीं है, मुनि आई बैठी का खाई का पियब, मतलब का सेवा सत्कार चाहिए, जितना बोलब हम उतना देव। तर नारद मुनि कहनी कि ना, हमरा कुछ चाही ना, बस अपना बच्चा से एक बार हमरा के भेंट करा दो। तो और खुश भइनी कि चलो भाई साधु का आशीर्वाद मिल जाए, खुशी खुशी राजा अपन बच्चा के उनका के गोद में दे ली। तो धीरे से डर के मारे हालत तो खराब रहे, धीरे धीरे से नारद मुनि पूछता नहीं कि ई बतावो कि ई शिव चर्चा ये शिव गुरु के महत्व का बा, इनकर लीला का बा, इनका के लोग काहे गुणगान करेल। तो वो अभी नवजात शिशु जो अभी पैदा लिया है वो तुरंत बोल उठा कि अरे जवन कौआ के बच्चा मरल रहे वो हम ही रही, जवन सुअर के बच्चा मरल रहे वो हम ही रही, जवन गाय के बच्चा मरल रहे वो हम ही रही। तो जब जब रहुआ शिव गुरु के नाम हमरा कान में डलले बानी तो हमारी योनी चेंज हो गई बा, बदल गई बा। सोच ली कि सिर्फ एक शिव गुरु के नाम से योनी बदल जाता तो हमनी के अगर पूजा करब जा, गुणगान करब जा, भजन कीर्तन करब जा, तो उससे हमनी के पूरा जिंदगी संवर जाए। और बाकी तो उनकर लीला उहे जानस। तो यही से कहल जाला, यही से हमनी के शिव चर्चा शिव गुरु के गुणगान करत रहता नहीं जा। प्रेम से बोली शिव गुरु भगवान की जय, सब गुरु भाई बहना की जय हो।